नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार गोस्वामी आपका अपना चैनल ग्रीन भारत पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नेस्टेशियम पौधे से किस प्रकार से बीजों को कलेक्ट करते हैं। आप ये जो पौधा देख रहे हैं वो नेस्टेशियम का पौधा है और जो हाथ में हम देख रहे हैं ये इसके बीज हैं। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। ये पौधा विंटर प्लांट होता है। इस पौधे में ऑरेंज, रेड, येलो, पिंक, क्रीम कलर के फूल आते हैं, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसमें देखिए काफ़ी सारे बीज इसके नीचे बनकर गिर चुके हैं और कुछ बीज अंडर प्रोसेस हैं। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है। इस पौधे को आप अक्टूबर में बीजों के द्वारा ग्रोथ करते हैं। इसके जो फूल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अंदर विटामिन B1, B2, विटामिन B3 और कैल्शियम पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये जो पौधा देख रहे हैं ये उस नेस्टेशियम का बीज है। ये मटर के दाने के बराबर का होता है। ये देखिए, ये जो नीचे इसका एक बीज गिरा हुआ है जो सूखने के बाद, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये बिल्कुल कैसा दिखता है। ये पौधा में से सूख कर गिर गया था और ये जो बीज है वो भी अभी बनने की प्रोसेस में है। ये बीज सूखने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हमें इन बीजों को कलेक्ट करके रखना चाहिए। इस पौधे की जो बेल होती है वो लगभग आपकी 3 से 4 फुट लंबी होती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेल 3 से 4 फुट लगभग लंबी बेल होगी, जो अभी पूर्ण रूप से सूखती हुई जा रही है और इससे बीज बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इसके बीज नीचे गिरे हुए हैं। अभी हम इन बीजों को कलेक्ट कर लेते हैं। इसके एक बेल से काफ़ी सारे बीज हम कलेक्ट कर लेंगे और अगली बार नेक्स्ट टाइम काफ़ी सारे प्लांट्स हम तैयार कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बीज इसके कलेक्ट कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा जो इसके बीज हैं, हम उन बीजों को सभी बीजों को कलेक्ट कर लें, क्योंकि एक बीज से एक पौधा तैयार होता है और उस पौधे से काफ़ी सारे बीज तैयार होंगे आपके। दोस्तों, नेस्टेशियम का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। दोस्तों, अब हमने ये सारे बीज कलेक्ट कर लिए हैं, अब इन बीजों को हम स्टोर कर लेंगे और अक्टूबर में फिर से हम इनको ग्रो करेंगे। तब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।